हेलो किड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाठ पांच को कक्षा चार में हिंदी में फुलवारी में। पाठ है कहाँ रहेगी चिड़िया। तो आइए पढ़ते हैं इस प्यारी सी कविता को जो लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। साथ साथ हम इनका अर्थ भी देखते जाते हैं। तो कविता की इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि तेज आंधी आने के कारण पेड़ की डाल टूट गई और उसकी वजह से चिड़िया का घोंसला उड़ गया तथा चिड़िया के अंडे भी फूट गए। कवयित्री चिंतित है कि अब यह चिड़िया किससे अपना दुख बताएगी और कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चीची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। चिड़िया की व्यथा को समझते हुए कवयित्री उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वे अपने घर की अलमारी को खोलकर चिड़िया को उसमें रहने के लिए बुला रही हैं। लेकिन वह तो चीची करते हुए इधर उधर भाग रही है, वह घर में नहीं रहना चाहती। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह अब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कवयित्री अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती है कि अब हम घर में पेड़ कहाँ से लाएं जिससे वह अपना घोंसला बना सके, और भला उसके फूटे अंडे कैसे जोड़ें, चिड़िया अपना ये सारा दुख किससे कहेगी, न जाने चिड़िया कहाँ रहेगी। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। असमंजस दुविधा होता है, अंदाज, हाव भाव, ढंग, खूंखार, हिंसक, तीव्र, तेज, पदचिन्हों, पैरों के निशान। अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न, तो बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। का जोर जोर से आंधी आने पर क्या क्या हुआ। तो जोर जोर से आंधी आने पर पेड़ की डालें टूट गईं, पक्षियों के घोंसले उड़ गए और उनके अंडे भी फूट गए। चिड़िया बुलाने पर अलमारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर बने घोंसले में ही रहना पसंद है। चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है। कठिन परिश्रम से बनाया हुआ उसका घोंसला आंधी में न जाने कहाँ उड़ गया तथा उसके अंडे भी गिरकर फूट गए। यही चिड़िया के लिए दुख की बात है। कविता के अंशों को वाक्यों के रूप में लिखिए। आई आंधी जोर जोर से, तो जोर जोर से आंधी आई इस तरह लिख लेंगे। डालें टूटी झकोर से, तो तेज हवाओं से डालें टूट गई। हमने खोला अलमारी को, तो हमने अलमारी को खोला। बुला रहे हैं बेचारी को, उस बेचारी चिड़िया को बुला रहे हैं, इस तरह हम वाक्य बना लेंगे। तीसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की ही एक और कविता नीचे दी गई है,
मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आ जा तितली, बाहर जब पर होंगे गीले, धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल, ना तुझको बचा सकेगा छोटी तितली, खिड़की में तू आ जा तितली। तो महादेवी वर्मा की, ठीक है, इस कविता पर दो सवाल आपको बनाने हैं। तो पहला बनाएंगे, कवयित्री तितली को अंदर क्यों बुला रही है। दूसरा बनाएंगे, बारिश होने से तितली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। खा है, इस कविता को संवादों की तरह लिखिए। संवादों की तरह हम इसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कवयित्री, मेघ बरसने वाला है, खिड़की में आ जा तू तितली। तितली, मैं नहीं आऊंगी। कवयित्री, बाहर वर्षा में तुम्हारे पंख गीले हो जाएंगे और तुम्हारी पंखों के सजीले रंग धुल जाएंगे। तितली, नहीं, मुझे बाहर ही अच्छा लग रहा है, वर्षा होने पर मैं फूलों में छुप जाऊंगी। कवयित्री, फूल तो खुद ही झड़ जाएगा, वह तुझे नहीं बचा सकेगा, अतः तू खिड़की में आ जा छोटी तितली। महादेवी वर्मा की एक और कविता नीचे दी गई है, इस कविता पर चित्र बनाइए। तो हम इस पर तितली का ये प्यारा सा चित्र बनाएंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। इसमें ये गोला और ये ओवल शेप का यूज करके आप आसानी से तितली को बना लेंगे। सोच विचार बताइए का, आप पेड़ के नीचे हो और जोर की आंधी आ जाए तो क्या करेंगे। हम झटपट पेड़ से दूर हटकर खड़े होंगे, क्योंकि पता नहीं कब डाल टूटकर मेरे ऊपर आ गिरे। जिसका घोंसला उड़ गया हो, आप उस चिड़िया की मदद के लिए क्या क्या करेंगे। तो मैं उस चिड़िया के लिए घास फूस का दूसरा घोंसला तैयार करूंगा और उसे किसी पेड़ की डाल पर फंसाकर उस पर चिड़िया को बैठाऊंगा। आंधी आने पर चिड़िया के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु दुखी हुए होंगे। आंधी आने पर चिड़िया के अलावा कोयल, मैना, मोर, बया, हिरन, कबूतर, गौरैया आदि जीव जंतु दुखी हुए होंगे। आंधी आने पर चिड़िया के सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी। तो आंधी आने पर चिड़िया के रहने की जगह नहीं रही होगी और उसके अंडे भी फूट गए होंगे, जिससे उसे बहुत दुख हुआ होगा। तुम्हारे आसपास जोर की आंधी आने पर क्या क्या होता है। हमारे आसपास जोर की आंधी आने पर धूल उड़ती है, तेज हवाएं चलती हैं, घर गंदा हो जाता है और कूड़ा करकट तितर बितर हो जाता है। सोच विचार चाह है, चिड़िया अपना घोंसला उड़ने और अंडे फूटने से दुखी है। उसका दुख यह भी है कि अपना दुख किससे कहे। क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है जब आप दुखी हुए हो, उस घटना के बारे में बताइए। तो एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण घर के अंदर भी पानी भर गया था। उस समय हम लोग पेड़ों पर मचान बनाकर सोते थे। आपने अपने दुख की बात किससे कही थी। तो मैंने अपने दुख की बात अपने नाना नानी से बताई और उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। ऐसा वाक्य जिसमें पांच शब्द ही आए। तो चिड़िया बहुत ही दुखी थी, तो पांच शब्द हो गए यहाँ पर, एक दो तीन चार और पांच। ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया के रंग का भी उल्लेख हो, तो वह देखो धूसर रंग की चिड़िया उड़ रही है। ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया शब्द के साथ अगर भी आए, तो अगर चिड़िया के पंख ना होते तो क्या होता। अब
इस कविता की रचना महादेवी वर्मा ने की है, आपकी कलम से आ गए हैं। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में गाय, हिरण, गिलहरी, कुत्ता, नेवला जैसे तमाम पशु पक्षी पाल रखे थे, जिनके नाम गौरी, सोना, रोजी, निक्की आदि रखे थे। आपके घर में कौन कौन से जानवर पाले गए हैं, तो ये बच्चों आपको खुद से लिखना है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए उत्तर लेकर आई हूँ। तो मेरे घर में एक पालतू कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी और एक बिल्ली है। उनको किस किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर लिखेंगे हम उसको जैकी, किट्टू आदि नामों से बुलाते हैं। उनकी दो दो खास बातें लिखिए। वह बहुत ही समझदार है और घर के चारों तरफ की निगरानी करता है। वह मेरे साथ आंगन में भागम भाग खेलती है। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली दोनों के बारे में बात की गई है। पहले कुत्ते के बारे में बात की, वह बहुत ही समझदार है और घर के चारों तरफ की निगरानी करता है। फिर वह मेरे साथ आंगन में भागम भाग खेलती, तो बिल्ली के बारे में बात की जा रही है। आपके घर में जो जानवर हो, जो जानवर पाले जाते हो, उनके बारे में आप खुद से लिख सकते हैं। आपकी कलम से खा, क्या कठिनाई होगी अपना घर न होने पर हम लोगों को, पेड़ न होने पर चिड़िया को। तो पहले का उत्तर लिखेंगे अपना घर ना होने पर हम लोगों को हर मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पेड़ ना होने पर चिड़िया को, पेड़ ना होने पर चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी तथा अपने अंडों और बच्चों की कैसे सुरक्षा करेगी। आपकी कलम से गा है, कविता में आया है कैसे फूटे अंडे जोड़े, फूटा अंडा जोड़ा नहीं जा सकता, पर हमारे आसपास बहुत सी ऐसी टूटी फूटी चीजें होती हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सोचकर लिखिए आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें टूटने फूटने के बाद भी मरम्मत द्वारा जोड़ा जा सकता है। उत्तर लिखेंगे लकड़ी के सामान, लोहे के सामान, बर्तन, चप्पल, कपड़े, आभूषण आदि। इनको हम टूटने और फटने या फूटने के बाद भी हम जोड़ सकते हैं। आपकी कलम से दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। प्रत्येक चित्र के आधार पर एक एक अनुच्छेद इस क्रम में लिखिए कि एक कहानी का रूप बनता जाए। तो पहले चित्र में देखिए, दूसरे में देखिए और तीसरे में भी ध्यान से देखिएगा अपनी किताबों में, और हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। उत्तर लिखना शुरू करेंगे। एक चिड़िया थी, उसके दो बच्चे थे, नन्हे बच्चे अभी बहुत छोटे थे। चिड़िया रोज दाना लाती और उन्हें खिलाती थी। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए और वह घोंसले से बाहर जाकर खेलने लगे। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश होती थी। फिर चिड़िया ने उन दोनों को उड़ना सिखाया और एक दिन वह दोनों उड़ना सीख गए और चिड़िया के साथ घोंसले से उड़ गए। तो बन गई ना मजेदार कहानी। मेरे दो प्रश्न, कविता के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो पहला सवाल बनाएंगे आंधी से क्या गिरकर टूट गए, दूसरा बनाएंगे चिड़िया अलमारी में क्यों नहीं आना चाहती है। इस कहानी से मैंने सीखा हमें अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पशु पक्षी अपना घोंसला उन पर बना सके। मैं करूंगी या करूंगा, मैं अपने घर के आंगन में एक पौधा जरूर लगाऊंगी। अब कितना सीखा पे आ गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जग के प्रकाश का स्वामी किसको और क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। खा है पानी को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पानी को बचाने के लिए हम निम्न तरीके अपना सकते हैं। नहाते समय कम पानी का प्रयोग करके, बर्तन धोते समय कम पानी का प्रयोग करके। निम्नलिखित
प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गा है पहले का, शेर गुफा के अंदर है या नहीं इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने क्या किया। तो उत्तर लिखेंगे, शेर गुफा के अंदर है या नहीं इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने योजना बनाई और गुफा से बात की और उसकी योजना सफल हुई और उसको फाइनली पता चल गया कि शेर गुफा के अंदर ही है क्योंकि उसने शेर को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी किस भूल के लिए जीवन भर पछताते रहे और उसके लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए। तो गांधी जी दूसरों के सुंदर मोती जैसे अक्षर देखकर जीवन भर पछताते रहे और उसके लिए उन्होंने सुंदर अक्षर चित्रकला और सुलेख के सुझाव दिए ताकि सबके अक्षर सुंदर मोती जैसे बन सकें। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन के चांदनी धवल। इसका अर्थ लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे ज्ञान रूपी प्रकाश के ईश्वर, सूर्य की लालिमा की तरह आपका प्रकाश पुंज संपूर्ण संसार में जगमगा रहा है, आपकी ख्याति श्वेत चांदनी जैसे इस संसार में फैल रही है। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी झकोर से, अंडे फूट उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। अभी हमने इसका अर्थ पढ़ा था, एक बार बस मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, हम पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ दोबारा से नहीं रीडिंग करूंगी मैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों में सु और कु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो पात्र है, पात्र में हम सु और कु लगाएंगे और नए शब्द बनाएंगे यानी उपसर्ग जोड़ेंगे और हम उनके अर्थ भी लिखेंगे। तो हमने उपसर्ग के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में पहले ही पढ़ लिया था, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लें और फिर यहाँ पर आकर दोबारा इस वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको नॉलेजेबल लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और कमेंट में कमेंट भी करें और बताएं कि कहीं अगर कुछ और सुधार या और किसी चीज की आपको जरूरत है। तो नीचे दिए गए शब्दों में सु और कु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो पात्र में हम पहले सु जोड़ेंगे तो सुपात्र हो जाएगा, उसका अर्थ होता है योग्य अधिकारी। फिर हम कु जोड़ेंगे तो कुपत कुपात्र हो जाएगा, जिसका मतलब होता है नालायक। नेक्स्ट पे चलेंगे मार्ग, तो मार्ग में पहले सु जोड़ेंगे तो सुमार्ग हो जाएगा, सुमार्ग मतलब होता है राजमार्ग या फिर हाईवे जिसको अंग्रेजी में हाईवे बोलते हैं। मार्ग में हम कु जोड़ेंगे तो कुमार्ग हो जाएगा और इसका अर्थ होता है भ्रष्टाचार। नेक्स्ट चलेंगे योग पे, तो सु जोड़ेंगे तो सुयोग हो जाएगा जिसका अर्थ होता है शुभ मिलन। फिर हम कु जोड़ेंगे तो कुयोग हो जाएगा जिसका अर्थ होता है अशुभ मिलन। फिर मति होगा, मति में हम सु जोड़ेंगे तो सुमति हो जाएगा जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल। फिर कु जोड़ेंगे तो कुमति हो जाएगा तो बुरी बुद्धि वाला यानी कि भ्रष्ट इंसान। फिर बुद्धि, तो बुद्धि में सु जोड़ेंगे तो सुबुद्धि हो जाएगा, सुबुद्धि मतलब होता है अकलमंदी, कु मतलब कुबुद्धि हो जाएगा दुष्ट। रुचि, तो सुरुचि हो जाएगा, सुरुचि मतलब होता है सुंदरता। कु जोड़ेंगे तो कुबुद्धि हो जाएगा जिसका मतलब होता है दुष्ट ही होता है इसका मतलब भी। अब बर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो गलत लिखे हैं, जिनकी अक्षर या फिर मात्राओं में गड़बड़ियां हैं, जिनको आपको सही करके सही से लिखना है बच्चों। तो पहला खुशबू हो जाएगा सही, कालिया, निशान, पुराना, मैना, गौरैया, स्वास्थ्य, घोंसला। इस तरह से हम सबको सही करके लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पांचवा है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। सुनाया, युवक, मीठा, जुम्मन, धार्मिक। देखा, वह, भलाई, उसने, भला। तो पहले हम संज्ञा लिखेंगे, तो युवक किसी का नाम, युवक यानी किसी युवक को बोलते हैं तो संज्ञा हो गई, जुम्मन और भलाई, तो ये तीनों हुए आपकी संज्ञा। सर्वनाम की बात करें तो वह शब्द जो संज्ञा की जगह यूज करे जाते हैं तो वह उसने,
निशेषण में मीठा, धार्मिक, भला, क्रिया सुनाया और देखा क्रिया में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बोलने वाली गुफा कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए तो विद्यार्थी स्वयं सुनाएं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, उसमें दो बार ऑलरेडी इस कहानी को सुना दिया गया है। तो आपने अगर अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है बोलने वाली गुफा क्लास 4 का, तो उसको भी देख लें और इस कहानी को अच्छे से सुन लें। अब है लास्ट आज का टॉपिक, अपने आप डेजी की डायरी। मंगलवार 21 अगस्त। आज सुबह सोकर उठी तो तेज बारिश हो रही थी। बाहर आकर देखा तो सड़क पर पानी ही पानी था। कुछ लोग छाता लगाए, कुछ बरसाती ओढ़े, तो कुछ यूं ही भींगते हुए सड़क पर आ जा रहे थे। अरे आज मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मैंने सोचा, वहां भी तो पानी ही भरा होगा। तब माँ आ गई। उन्होंने बताया स्कूल में आज छुट्टी हो गई है, टीचर दीदी का फोन आया था। तब क्या किया जाए, मैंने सोचा, बारिश में बाहर तो भी नहीं जा सकती। मैंने भैया को बुलाया और भैया बनाया एक प्लान। भैया ने बनाई कागज की नाव, तो मैंने बनाया बारिश का चित्र। भैया ने आंगन में जाकर तैराई नाव, मैंने कमरे में लगा दिया बारिश का चित्र। तुम्हारे चित्र में मेरी नाव तो है ही नहीं, भैया बोला। चित्र में नाव थी लेकिन अब वह तैरकर आगे चली गई है, मैंने कहा। शुक्रवार 24 अगस्त। आज मेरी सबसे प्यारी दोस्त गुलनाज का जन्मदिन है। उसने मुझे फोन पर मैसेज भेजा है, जरूर आने को कहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसके लिए एक बहुत प्यारा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, वह देखेगी तो बहुत खुश होगी। रविवार 26 अगस्त। आज रविवार है, छुट्टी का दिन, मुझे बहुत सारे काम है। सबसे पहले आज मुझे गुरुवचन चाचा से मिलना है, वे पत्रकार हैं। गुरुवचन चाचा मुझे बताएंगे कि समाचार कैसे लिखे जाते हैं और साक्षात्कार कैसे लिया जाता है। शिक्षक, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं, तो आपके लिए निर्देश इनको पढ़ना अनिवार्य है। बच्चों को इसी प्रकार डायरी लिखने के लिए प्रेरित करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Thank you.